नमस्कार दोस्तों, learner.com में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक और नया खास फीचर आपकी टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर के अंदर। आपने से कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि फॉर्च्यूनर में ओवरहेड कंसोल के ऊपर इस प्रकार का एक बटन दिया गया है, एंड बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस बटन का क्या यूज़ रहता है। तो आज हम आपका वो डाउट क्लियर करेंगे। इस बटन का प्रयोग होता है इंट्रूजन सेंसर को ऑफ करने के लिए। तो इंट्रूजन सेंसर का आपको एक छोटा सा डेमो देते हैं। उसके लिए हम पहले गाड़ी को स्विच ऑफ करेंगे। गाड़ी बंद करने के बाद हम गाड़ी को लॉक कर देते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल कंडीशन में हम गाड़ी को पार्क करने के बाद जाते हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही हमने गाड़ी को लॉक किया है तो जो इमोबिलाइजर सेंसर की लाइट होती है रेड कलर की, वो इस समय ब्लिंक नहीं कर रही है, क्योंकि सिस्टम को एक्टिवेट होने में तकरीबन 20 सेकंड का समय लगता है। तो इंट्रूजन सेंसर होता है कि जब भी गाड़ी लॉक्ड सिचुएशन में हो और उसमें किसी भी प्रकार की अगर हलचल होती है तो गाड़ी का जो सिक्योरिटी अलार्म है वो बजने लगता है। अब हम देखेंगे कि जैसे ही ये लाइट ब्लिंक करने लगेगी ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही गाड़ी में कोई भी हलचल हम करते हैं, देखिए जिस प्रकार से अभी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर चुकी है। अब इस समय हम गाड़ी में कोई भी मूवमेंट अगर करते हैं तो आप देखेंगे कि गाड़ी का जो अलार्म है वो बजना शुरू हो चुका है। तो ये बटन आपको उस कंडीशन में काम आएगा जब कभी हो सकता है कि आपको किसी पर्सन या फिर हो सकता है अपने पेट को बिठाकर गाड़ी को लॉक करना पड़े कुछ समय के लिए, और पीछे से गाड़ी में हलचल होने पर ये सायरन ना बजे, तो आप सिंपली इस बटन को प्रेस कर व्हीकल को लॉक कर सकते हैं। और बेहतरीन चीजें जानने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और इन लिंक्स पर क्लिक कर हमारी अदर वीडियोस को भी कृपया चेकआउट कीजिए। Thank you very much for your time.